जय श्री राम। वंशों की जानकारी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सूर्य वंश की। अक्षत्रियों के दो प्रधान वंशों में से एक है जिसका आरंभ इक्ष्वाकु वंश से माना जाता है, जिन्होंने त्रेता युग में अयोध्या में राज किया। पुराने जमाने में हमारे यहाँ अक्षत्रियों के दो खानदान बहुत प्रसिद्ध थे, एक चंद्रवंश दूसरा सूर्यवंश। श्री राम प्रभु सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी राजाओं का इतिहास पुराणों में मिलता है। अयोध्या इनकी राजधानी थी और राज्य का नाम था कौशल। याद रखें, कौशल जो प्रदेश था यह हिरण्यभ कौशल ऋषि के नाम पर पड़ा था। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो आप सभी की जानकारी के लिए बनाई हुई है। यह कौशल प्रदेश श्री अयोध्या सरयू नदी के तट के रूप में विद्यमान है। इसको राजा युवनाश ने बसाया था। ये मंधाता के पुत्र थे। भगवान राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। यह वंश राजा इक्ष्वाकु से शुरू हुआ। भागवत के अनुसार सूर्य वंश के आदि पुरुष जो हैं वो इक्ष्वाकु थे। इससे पहले कश्यप थे। कश्यप के पुत्र सूर्य और सूर्य के पुत्र वैश्वत मनु हुए। इन्हीं वैश्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु थे। इसी वंश में बाद में दशरथ लव कुश आदि का जन्म हुआ। तो सूर्य वंश से कितनी शाखाएं निकली हैं, इस पर बड़ी चर्चा होती है। लोग समझते हैं सूर्यवंशी एक सूर्यवंश है, लेकिन सूर्यवंश में से बहुत सी शाखाएं अलग अलग निकली। उसमें एक तो सूर्यवंश, एक निमी वंश, एक शाकुंभरी वंश, एक नागवंश, एक गोहिल वंश, एक गहलोत वंश, एक राठौड़ वंश, एक गौतम वंश, एक मौर्य वंश, एक परमार वंश, एक चावड़ा वंश, एक डोड वंश, एक कछवाहा वंश, एक परिहार वंश, एक बड़गुजर वंश, एक सिकरवार वंश, एक गौड़ वंश, एक चौहान वंश, एक बसे वंश, एक दाहिना वंश और एक कौशल वंश तथा 22वां दीक्षित वंश। ये कई कई जगह दाहिना वंश दो बार भी लोग बोलते हैं, जबकि दाहिना वंश है तो एक ही। दूसरा दाहिना वंश हम कौशल को बोल देते हैं। कौशल वंश जो है ये 21वां वंश है सूर्य के अंदर। अब सूर्य वंश की जानकारी जो मैं थोड़ी सी आपको दे दूं, सूर्य वंश में गोत्र कश्यप होता है, प्रवर भी कश्यप है, अपसार और नेध्रुव, वेद यजुर्वेद है, शाखा माध्यनंदिनी है, सूत्र पुरस्कार गृह्य सूत्र है, गुरु वशिष्ठ हैं, कुलदेवी चंडिका हैं और इष्टदेव महादेव हैं। यह वंश प्राचीन वंश है। श्री रामचंद्र जी के किसी वंशज ने अयोध्या से चलकर गढ़वाल के आसपास का क्षेत्र जीतकर जो है श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। तो वंश से ये लोग धीरे धीरे गढ़वाल कुमायूं आदि जिलों में फैल गए। इनके यहाँ 15वीं शताब्दी में राज्य होने के भी संकेत मिलते हैं। अब इस वंश के राजपूत जो है वो उत्तर प्रदेश के खीरी, फैजाबाद, बाराबांकी, बस्ती, मिर्जापुर, गाजीपुर आदि जिलों में भी रहते हैं। तो ये था एक संक्षिप्त परिचय सूर्यवंश का। सूर्यवंश के अंदर जो 22 वंश और भी आते हैं, जिनकी जानकारियां मैं प्राप्त करके आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास भारतीय संस्कृति के प्रचार एवं प्रसार का, जिसमें आप सभी मेरे साथ सहभागी बने और हमारे इस चैनल ज्ञान रसधारा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें, ताकि भारतीय संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंच सके। जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय हनुमान।